स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 3 में सपोज यू आर गिवन वन केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल यू आर गिवन दैट एजी 3 एजी प्लस एयू 3 प्लस. जस्ट मिनट 3 एजी प्लस प्लस एयू सॉलिड reversibly gives 3 Ag solid and Au 3 plus aqueous. You are given this chemical reaction and potentials are given to you that Ag plus is minus 0.8 volt and E0 Au 3 plus Au is 1.4 volt. Right? Now, according to reaction, we have to decide which will be anode and which will be cathode. So here Au is converted into Au3 plus. This reaction is known as oxidation. That's why this will act as an anode. And Ag plus ion is converted into Ag. This reaction is known as reduction. And this one is cathode. Thus we have decided which is anode and which is cathode. So we can calculate E0 cell. So E0 cell has formula E0 reduction potential of cathode, and it is Ag plus Ag minus E0 Au3 plus Au. So Ag plus Ag is 0.8. चलो अब ये तो clear हो गया होगा. यहाँ पे Ag/Ag+ ये oxidation potential है, इसको हमने invert कर दिया. Okay, so that we are getting the reduction potential, because here this is oxidation potential, and minus 1.4 volt. So by subtraction we are getting 0.6 volt, and this is our E0 cell. And then we can calculate minus 0.6 volt. So we can calculate the Kc. Formula is anti-log of E0 cell into N divided by 0.059. okay, now anti-log of E0 cell, it is minus 0.6 volt multiplied by N. What is N? Number of electrons which are transferred, it is 3, and divided by 0.059. okay. And now here (0.6 × 3) (1.8) divided by 0.059. It is minus 30.5085. Okay. अब अगर देखो, अगर हमें ये value find out करनी है, कैसे? With the help of logarithm table. तो चलो वो कैसे फाइंड आउट करें. ओके, तो अब देखो यहां पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे. टू गेट द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ द गिवन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट में दिया है ना, मतलब उसको पहले, मतलब नेगेटिव अगर वैल्यू दी है तो उसको पहले बार में कन्वर्ट करो. बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पॉइंट के पहले आपको जो भी दिया हो उसमें एक ऐड कर दो. सो वी विल गेट 31, और बार लिख दो, मतलब ये डैश लिख दो. पॉइंट के पहले जो भी दिया है उसमें एक ऐड करो और बार लिख दो. पॉइंट के बाद जो भी दिया है उसको वन में से सब्सट्रैक्ट करो. तो ये होगा 5, 1, 9 and 4 and 0. जस्ट मिनट 5, 1, 9 and 4. यस, ओके. और वो पॉइंट के बाद लिख दो. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव का एंटीलॉग देते हैं तो फिर डायरेक्ट हम पॉइंट के बाद के नंबर्स ही देखते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव का देखते हैं तो फिर नेगेटिव वैल्यू को पहले हम बार में कन्वर्ट करेंगे. राइट, तो कैसे करेंगे? पॉइंट के पहले जो भी दिया हो उसमें एक ऐड कर दो, और पॉइंट के बाद जो भी दिया हो उसको वन में से सब्सट्रैक्ट करो. ओके, और अब 49 का 1 में 5 एंटीलॉग देखो. 40
नाइन का वन में फाइव, 49 का वन और उसमें फाइव फोर ऐड करने हैं तो ये होगा 3101. तो 3101 एक डिजिट के बाद पॉइंट एंड 10^-31. ओके चलो, अगर केल्सी से फाइंड आउट करना है तो हमें फाइंड आउट करना होगा 0.5085 और ये नेगेटिव वैल्यू, माइनस 30 नहीं लिखना है, माइनस 0.5085 लिखना है, फिर इसका एंटीलॉग देख लो ये आ गया 31009, मतलब 3101 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आया 0.31 10^-30 और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यही होगा, देख लो. ओके तो अगेन अगर E0 सेल नेगेटिव आ रहा है दैट मींस द इलेक्ट्रोड विच इज बिलीव्ड एज एन एनोड इन एक्चुअल इट इज अ कैथोड, और जिसको कैथोड हमने मान लिया है वो एक्चुअल में एनोड होना चाहिए और यहाँ पे इन्वर्ट है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग E0 सेल नेगेटिव. और जिसका E0 सेल नेगेटिव होगा अगर उसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करें सो इट विल बी ऑलवेज लेस देन 1. 10^-31 आया ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है. तो अगर E0 सेल पॉजिटिव होगा तो किसी की वैल्यू मोर देन 1 होगी और E0 सेल नेगेटिव है तो किसी की वैल्यू लेस देन 1 होगी. यहाँ पे 0.something आएगा ना आंसर, दैट्स वाई. Okay, and this is the funda. And now next is the calculation of pH. चल, अब pH calculation हम देख रहे हैं. तो pH calculation अब हम कैसे करें? और उसका एक सम देख लेते हैं. Main यहाँ पे chemistry का part बहुत कम है. Main mathematical operation ही है main यहाँ पे. तो वो ध्यान से देखना. अब देखो. 11th के चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम में आपने फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है कि पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, इजंट इट. चलो अब एक क्वेश्चन देख लो. फॉर गिवन सेल ई सेल इक्वल्स डैश वॉल्ट, जस्ट अ मिनट लिख रहा हूं मैं, हाँ, एस एन टू प्लस HCl, H2 and then PT, 0.8 molar, X molar, 1 bar. Okay? तो pH का फॉर्मूला है माइनस log of H plus. Okay? माइनस log of H plus. तो यहां पे E0 Zn2 plus Zn ये वैल्यू है माइनस 0.14 वोल्ट और यहां पे ये है 0.1 वोल्ट. अब आपको पूछा क्या है, pH of HCl solution is dash, तो ये है अपना क्वेश्चन. तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एनोडिक देन कैथोडिक एंड देन टोटल रिएक्शन. ओके so anodic concentration SN solid gives SN2 plus aqueous plus 2 electrons और cathode पे क्या reaction होगी, H plus aqueous plus electron gives half H2 but here 2 electrons are released, that's why whole reaction is multiplied by 2. okay, and then SN solid plus 2H plus aqueous reversibly gives SN2 plus aqueous plus H2 gas. Okay? So this one is our total reaction. E0 cell क्या होगा? चलो E0 cell का first of all formula क्या है? तो इसका formula है E0 rate of cathode, that is 0 and minus 0.14. So overall it is plus 0.14 volt. This is our E0 cell. And then apply the Nernst equation.
E cell equals E0 cell minus 0.059 upon, we are writing 2, logarithm of concentration of product, that is concentration of SN2 plus, and divided by square of H plus. अब देखो ध्यान से, आपको पूछी है pH, okay? pH आपको पूछी है, तो ये जो H plus है ना, वो logarithm ही है, मतलब हमें यहाँ पे, अब यहाँ पे chemistry का part खत्म हो गया. जैसे ही आप values put down करते हैं, E0 cell is 0.1, E0 cell is 0.14, चलो, equals देख देता हूँ यहाँ पे, E cell 0.1, E0 cell 0.14 minus 0.0295. अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, logarithm of SN2 plus, SN2 plus का concentration दिया है 0.8 and minus 2 logarithm of H plus, isn't it? Okay, 2 logarithm of H plus. Now, चलो, 0.1 को another side भेजो. So, 0.1 minus 0.14 equals minus 0.0295. चलो, logarithm of 0.8. तो, 0.8 मतलब 8 into 10 is to minus 1. चलो, 8 का log है 0.9031. और 10 is to minus 1 का log होगा minus 1. अब यहां पे आपको दिया है माइनस 2 log of H plus, माइनस 2 log of H plus, तो इसका मतलब होगा 2 times pH. चलो कैसे है? तो यहां पे देख लो इसका कन्वर्जन. चलो pH is माइनस log of H plus, चलो माइनस ट्रांसफर करो तो माइनस pH, हां यहां पे है माइनस 2 log of H plus, तो यहां पे हम लिख सकते हैं pH equals minus log of H plus, ओके, ब्रैकेट में लिख दो, और यहां पे 2 टाइम्स दिया है, तो वो 2 आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, तो यहां पे भी 2 लिख दिया, तो 2 into minus log of H plus, that is 2 times pH, तो देख लो हमने डायरेक्टली लिख दिया है, ओके, चलो 0.1 minus 0.14 क्या होगा, minus 0.04 divided by, चलो minus के साथ यहां पे लेके आओ 0.0295, चलो ये subsection क्या होगा, minus 0.0969 plus 2 times pH, okay, चलो ये division के, क्या होगा, just a minute, 0.04 divided by 0.0295, so it is 1.356, और ये प्लस, ओके, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हुई ये वैल्यू, इक्वल्स 2 टाइम्स pH, एंड टेक द सम, 1.356 प्लस 1.356 प्लस 0.0969, 1.4529. So pH is 1.4529 and divided by 2. So it is 0.7265. Near about it is 0.73, we can write. So this is our answer. So students, आपने देखा होगा कि यहां तक तो वैसे सबको केमिस्ट्री का काम यहां पे वैल्यूज पुट डाउन करते हैं, तो फिर केमिस्ट्री का पार्ट यहां पे खत्म हो गया, बाकी के जो भी दिए वो सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ही है, तो मतलब ये मैथमेटिकल स्टेप्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब देखो ये तो पार्ट इजी है सबसे, जो हमने आगे न्यूमेरिकल्स किए उसके जैसे ही है, सिर्फ नया क्या आया यहां पे तो यहां पे नई वैल्यू कौन सी आई, तो कि पीएच की कैलकुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. ओके, तो जो अभी pH, ओके, तो pH of HCl solution, चलो यहाँ पे भी same question, ओके, तो first of all cell reaction हम लिखेंगे, anode पे reaction होगी, अब देखो Cu2 plus है, तो फिर directly मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, H2 gas gives H plus, 2H plus plus 2 electrons, ओके, और cathodic reaction होगी Cu2 plus,
plus 2 electrons gives Cu solid. And total reaction is H2 gas plus Cu2 plus aqueous reversibly gives 2H plus and Cu solid. Okay? And then E0 cell will be E0 Z of cathode, that is 0.34, minus E0 Z of anode, that is 0. Because here standard hydrogen electrode is used. So overall it is 0.34 volt. And then we are applying the Nernst equation. E cell equals E0 cell minus 0.059 upon 2 logarithm of concentration of H plus. So it is square of H plus divided by Cu2 plus. Okay. Now which terms are known for us? E cell, E0 cell, and the concentration of Cu2 plus. So concentration of H plus is not known. And it is asked in the form of pH. तो मतलब हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो टर्म है ना, इसमें से log of H plus minus log of H plus एक्सट्रैक्ट करके उसकी जगह पे हमें pH लिखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल E cell, इट इज गिवन 0.51 इक्वल्स E0 cell 0.34 माइनस 0.0295. देन logarithm ऑफ square of H plus minus logarithm of 0.05. Okay? 0.05. And now 0.51 minus 0.34. Chalo, ye minus kya hoga total? 0.17. Equals minus 0.0295. Ab dekho, ye hai 2 log of H plus. That means minus 2 pH we can write. Because pH is minus log of H plus. यहाँ पे positive term तो minus pH. और 2 दिया है तो फिर minus 2 pH. Okay? और यहाँ पे minus, चलो 0.05 का logarithm. 0.05 मतलब 5 into 10 is to minus 2. 5 का log है 0.6990 and minus 2. और ये पूरी term negative, बार देखो minus है. तो minus हमने लिख दिया. Okay? अब 0.0295 यहाँ पे नीचे लिख दो. 0.17 डिवाइडेड बाय 0.0295 और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा प्लस 2 पीएच और माइनस माइनस प्लस अब ये होगा 0.6990 माइनस 2 इट इज माइनस 1.3010. ओके चलो अब ये डिवीजन क्या होगा 0.17 divided by 0.0295. It is 5.763 equals 2 pH and minus 1.3010. That's why 2 pH equals 5.763 and plus 1.301. ये होगा 2 times pH equals, तो 1 time pH कितनी होगी? It is 3.532 and this is our answer. Okay, तो students, अब देख लो यहाँ पे 51 से आपको homework में numericals करना है. 51 से 55, then 56, 57 and then 58 and this 59 तक. Okay, again 59 तक आपको numericals complete करने हैं. Okay, चलो अब आगे next term लेते हैं. अब students, suppose आपको कोई half cell के लिए अगर आपको कोई पूछे question, for example अगर मैं ऐसे लिखूं कि what is the reduction potential of hydrogen electrode which is in
HCl solution having pH 1.5. तो अभी तक Nernst equation हमने apply किया था complete cell के लिए ही. यहां पे आपको एक नॉन स्टैंडर्ड हाफ सेल दिया है. चलो वो नॉन स्टैंडर्ड है वो पता कैसे चला. चलो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको कंस्ट्रक्शन तो पता ही है. ओके एक ट्यूब यहां पे ऐसे उल्टी लगाई जाती है. यहां पे मिडल में कैपिलरी रखते हैं हम जिसमें मर्क्यूरी फिलअप किया जाता है. एंड दिस इज वन टाइप ऑफ हाफ सेल हियर. लास्ट में यहां पे प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग किया हुआ प्लेटिनम की प्लेट हम लेते हैं. और यहां पे HCl का सोल्यूशन कितना लेते हैं भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन कितना रखते हैं. तो कंसंट्रेशन हम रखते हैं 1 मोलर. यहां पे आपको pH 1.5 वाला HCl का सोल्यूशन दिया है और उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया है. ओके यहां पे प्रेशर होना चाहिए 1 bar. तो चलो उसका तो यहां पे कोई इंडिकेशन किया ही नहीं तो मतलब वो 1 bar ही हम कंसिडर करेंगे. टेम्परेचर तो वो हम 298 केल्विन ही लेंगे लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है उसकी जगह पे आपको पीएच दी है. कौन सा पोटेंशियल पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है. स्टूडेंट्स अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछा हो तो इसकी रिडक्शन रिएक्शन हम कंसिडर करेंगे. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी. सो वी नो दैट H+ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2. ओके तो ई H+H2 इक्वल्स E₀ H+H2 -0.059 डिवाइडेड बाय 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड 1 लॉगरिथम ऑफ यहां पे प्रोडक्ट साइड कोई भी आयन नहीं है तो फिर हम 1 लेंगे एंड डिवाइडेड बाय H+ लेंगे. ओके चलो अब E ये पूछा है आपको E₀ तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है सर -0.059. चलो इसका मतलब क्या हुआ log ऑफ 1 माइनस log ऑफ H+. ओके चलो ये 0 तो कैंसल्ड -0.059. यहां पे log 1 होगा 0 और माइनस log ऑफ H+ का मतलब होगा pH. तो -0.059 इंटू pH. चलो pH कितनी दी है आपको 1.5. ओके और अब मल्टीप्लाई कर दो 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा 0.0885. तो -0.0885 वॉल्ट. दिस इज अवर आंसर. ओके तो चलो दूसरा इक्वेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ तो ये आपको होमवर्क में करना है CuSO4 सॉल्यूशन और E₀ Cu2+ 0.6 मोलर. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ 0.6 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन और E₀ Cu2+ की वैल्यू दी है आपको -0.34 वोल्ट. सेम इक्वेशन मतलब जैसा हमने कंप्लीट सेल को अप्लाई किया ना वैसे ही हाफ सेल को भी हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके चलो और एक न्यूमेरिकल लेते हैं. चलो ओके तो देखो अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों पीएच वैल्यूज दे दी है. ओके तो यहां पे देखो हाइड्रोजन गैस HCl के सॉल्यूशन में पास किया है हाइड्रोजन गैस H2SO4 के सॉल्यूशन में पास किया है. ओके अब यहां पे एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन चलो डायरेक्ट में टोटल रिएक्शन लिख रहा हूं. तो हाफ H2 गिव्स H++ इलेक्ट्रॉन और H++ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2. Now, no need to write the half H2, isn't it? तो H+ aqueous gives H+ aqueous. अब ये H+ कौन सा है?
बिफोर एरो, बिफोर एरो मतलब कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन मतलब ये H2SO4 का सोल्यूशन और ये HCl का सोल्यूशन। चलो ये तो पता चल जाए ना कि कौन सा H2SO4 और कौन सा HCl का सोल्यूशन होगा। N इक्वल्स 1 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड 1। नंस इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करो। अब देखो कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल मतलब पता चला कि इलेक्ट्रोड सेम है सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल और उसमें E0 सेल 0 होगा, -0.059 डिवाइडेड बाय 1 लॉगरिथम ऑफ H प्लस कौन सा HCl वाला और H प्लस कौन सा H2SO4 वाला। ओके अब ये होगा 0, -0.059 लॉगरिथम ऑफ बोलो क्या होगा H प्लस ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे pH 3 है तो उसका मतलब क्या हुआ पता है, 10^-3। नीचे pH 5 है तो 10^-5। ओके इक्वल्स -0.059 लॉगरिथम ऑफ 10^ क्या होगा -3 -5 10^+2 होगा, +2 आगे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, log 10 is 1 तो मल्टीप्लीकेशन करने से हमें आंसर आएगा 0.118 वोल्ट। अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन दी है, उसका मतलब क्या हुआ कि एनोड विच इज बिलीव्ड इन एक्चुअल इट इज अ कैथोड एंड द कैथोड विच इज बिलीव्ड इन एक्चुअल इट इज एन एनोड। ओके नेक्स्ट ई सेल। अब देखो ये जो नंस्ट इक्वेशन है ना इसका डिराइवेशन हम देखते हैं। अभी आपने न्यूमेरिकल्स तो कर दिए लेकिन डिराइव तो किया ही नहीं। ई सेल इक्वल्स ई जीरो सेल -0.059 अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, एक्चुअल इक्वेशन क्या है बताए। चलो ध्यान से देखो एक्चुअल इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल्स डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी पता है ना रिएक्शन क्वोशेंट, और रिएक्शन क्वोशेंट मतलब सेम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला एक पता होगा आपको, -NFeCl थर्मोडायनेमिक्स ने आपने पढ़ा है। डेल्टा जी जीरो का फॉर्मूला है -NF अगेन E0 सेल और +RT ln प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके चलो दोनों साइड डिवाइड बाय -NF। चलो दोनों साइड -NF से डिवाइड करो हर एक टर्म को, चलो यहां पे -NF कैंसिल तो क्या बचा ई सेल, चलो -NF कैंसिल करो तो क्या होगा E0 सेल। चलो अब माइनस प्लस है तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, -NF से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस साइन तो आएगी RT अपॉन NF और ln मतलब पता है ना नेचुरल लॉग है। तो स्टूडेंट्स अब MCQ लेवल के लिए अपने GNET लेवल के लिए ये आपको पता तो होना ही चाहिए। अब ध्यान से देखो ये ई सेल का यूनिट क्या है, ई सेल का यूनिट क्या है, वोल्ट। ई जीरो सेल का यूनिट क्या है, ये भी वोल्ट है। इट मींस अगर सबसेक्शन हो रहा है तो फिर हमें पता होगा कि इसका यूनिट भी वोल्ट ही होना चाहिए। तो कैसे होगा वोल्ट और कब होगा, तो उसके लिए आपको आर की वैल्यू लेनी होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर जनरली हम लेते हैं 298 केल्विन एंड व्हाट इज एफ, एफ पता होगा इट्स अ फेराडे कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है 96500 कूलम्ब। और एन चलो वो तो पता होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो हमें एज इट इज रखना है यहाँ पे देख लो। तो अब यहां पे मैं हर एक टर्म यूनिट के साथ लिख रहा हूं। चलो ई सेल इक्वल्स ई जीरो सेल माइनस, अब ध्यान से देखो आर इट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके मल्टीप्लाइड बाय टी टेम्परेचर
298 Kelvin divided by N F 96500 कूलम्ब. अब स्टूडेंट्स ये ln है, ln को अगर हमें नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके तो 2.303. अब स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू 8.314, 298, 2.303 और 96500 इसकी प्रोडक्ट होगी 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और एक इम्पोर्टेंट चीज़, हम अभी हमने बताया ना कि इस टर्म का यूनिट वोल्ट ही होना चाहिए, तो देखो अब ध्यान से कौन कौन सी टर्म रही बाकी रही. तो देख लो पहले केल्विन कैंसल्ड, मोल ये जो नंबर ऑफ मोल से यही है, तो अब बचा क्या पता है, जे अपॉन सी. व्हाट इज जे? जूल एंड सी मीन्स कूलम्ब. तो पता होगा आपको जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट. जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट. सो फाइनली द फॉर्मूला डिराइव्ड इज ई सेल इक्वल्स ई जीरो सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. ओके रिमेंबर दिस. तो अब जाके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया और उसकी जरूरत भी नहीं है. क्यों जरूरत कैसे है कब है पता है? एक जगह पे मैंने एमसीक्यू देखा था, इन नंस इक्वेशन 0.059 इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टर्म्स. चलो किसका है, तो 2.303 आरटी बाय एफ की प्रोडक्ट है 0.059. देख लो 2.303 हमने लिया था, 8.314 लिया था, 298 लिया था और ये 96500 एफ की वैल्यू थी ना, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू. तो 2.303 आरटी बाय एफ इज नोन एज 0.059. तो कई कबार एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो सिर्फ वो एमसीक्यू के लिए हमने ये पूरी की पूरी थ्योरी ली. ओके अब और एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना था तो उसके लिए ये जरूरी था, तो चलो वो क्वेश्चन देख लो. ई सेल फॉर गिवन सेल, चलो सेल कौन सा है देख लो, पीटी एच टू, इसका प्रेशर है पी वन बार, देन एच सी एल कंसंट्रेशन वन मोलर है एच टू, चलो इसका प्रेशर है पी टू बार एंड पी टी. ओके स्टूडेंट्स ऑप्शंस देख लो, आर टी बाय एफ एल एन पी वन अपॉन पी टू, आर टी बाय 2F ln P1 upon P2, RT by F ln P2 by P1, RT by 2F ln P2 by P1. तो दो F वाले दो 2F वाले बाकी का सेम है, देख लो P1 upon P2, P1 upon P2, P2 upon P1, P2 upon P1. चलो ट्राई. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के लिए सेल हम रिप्रेजेंट कैसे करें, चलो तो मैं पूरी फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसमें इन एक्चुअल है क्या. ओके तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एक ही लिया है, दैट इज वन मोलर एच प्लस, और कंसंट्रेशन वन मोलर दिया है, लेकिन यहाँ पे दो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उन्होंने रखे हैं. ओके और दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस पास किया है. यहाँ पे पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस पास किया. ओके
यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास किया P1 बार पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास किया P2 बार पे। तो चलो फिगर से समझ में तो आ गया होगा कि एक ही सोल्यूशन में हम ऐसे भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, इस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया कि ऐसा कुछ यहाँ पे है। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन हम कौन सी लेंगे? तो चलो एनोड पे रिएक्शन हम लेंगे हाफ एच टू गिव्स एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे हम लेंगे एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ एच टू। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जनरली हम आयंस कंसिडर करते थे अब तक और बाकी का हम निग्लेक्ट करते थे। यहाँ पे हम एच टू हाफ एच टू गैस कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गैस पास किया है उसका प्रेशर डिफरेंट है। ओके, ये हुई टोटल रिएक्शन। एन यहां पे 1 होगा, यस नो? ओके, और अब नंस इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो ई सेल इक्वल्स ई जीरो सेल, वो तो 0 है। अब हम 0.059 लिखते थे, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो जो टर्म दी है ना आपको, उसमें आर टी दिया है, तो हम वो पहला वाला इक्वेशन लेंगे जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में, जैसे ये वाला इक्वेशन, ओके, ये कंसिडर करेंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ एच टू इज एस टू 1/2, और ये कौन सा वाला है? कैथोड वाला है, अपॉन प्रेशर ऑफ एच टू रेस टू 1/2, और ये एनोड वाला हो गया। तो ई सेल इक्वल्स माइनस आर टी बाय एफ एल एन। अब देखो प्रेशर ऑफ एच टू एट कैथोड क्या होगा? पी टू, और उसका 1/2 पावर डिवाइडेड बाय पी वन, और उसका 1/2। चलो 1/2 कॉमन निकालो और बाहर लिख दो, तो माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन पी टू अपॉन पी वन। और अगर ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? ये पी वन अपॉन पी टू हो जाएगा, एल एन दिया है ना इसलिए। तो आर टी बाय टू एफ एल एन पी वन अपॉन पी टू। स्टूडेंट्स अब ये कैसे आया ध्यान से देख लो, एल एन या लॉग, सपोज लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई है, तो इसका मतलब क्या होगा? लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, हम एल एन भी ले सकते हैं वो तो पता है ना। चलो अब दोनों में से माइनस कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स, उल्टा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? वाई अपॉन एक्स। तो अगर बाहर कुछ भी नहीं है सिर्फ माइनस साइन लिख दो, तो फिर अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इंटरचेंज कर दो। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की, देख लो। ओके, पी टू अपॉन पी वन दिया है और बाहर माइनस है, तो वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो पी वन अपॉन पी टू हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स फिर इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट। ये सब जो भी आज क्लास वर्क हुआ है वो पूरा 1 टाइम, ओके, और जो होमवर्क दिया है वो भी 1 टाइम आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो फिर चलो आज का लेक्चर कंप्लीट।